साबक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सरेंडर करें और अदालत में पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ सरेंडर करके 10 सितंबर को अदालत में पेश हों। जिस शख्स आमर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि साबक वज़ीर-ए-आज़म को अभी मफरूर करार नहीं दे रहे, उन्हें अदालत में पेश होने का हुक्म देते हैं। जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमल दो रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि इस वक्त नवाज शरीफ की हैसियत क्या है, क्या वो जमानत पर है या नहीं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि इवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की मेरिट पर जमानत मंजूर हुई, वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए, वापस ना आने की वजूहत दरख्वास्त में लिखी हैं। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या जमानत खत्म होने के बाद नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर नहीं करना चाहिए था। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा, नवाज शरीफ का केस मुनफरद है, सरेंडर ना करने पर अदालत को तफसीली तौर पर आगाह करूंगा। नवाज शरीफ को जो बीमारियां थीं इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। नुमाइंदा अफलाक अजीम अहमद इस्लामाबाद।